देश के महान धावक मिल्खा सिंह 91 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से विश्व भर में मशहूर थे। मिल्खा सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तमाम मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए दिग्गज खिलाड़ी मिल्खा सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दे रही हैं। फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह के किरदार को पर्दे पर उतारने वाले फरहान अख्तर भी शोक में डूबे हैं। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल नोट लिखा है। फरहान लिखते हैं कि प्रिय मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अभी भी ये मानने से इनकार कर रहा है कि आप नहीं रहे। हो सकता है कि ये वो जिद्दी पक्ष है जो मुझे आपसे विरासत में मिला है। वह पक्ष जब वो किसी चीज पर अपना मन लगाता है तो कभी हार नहीं मानता। और सच तो ये है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले, प्यार करने वाले, गर्म जोशी से भरे, जमीन से जुड़े इंसान ज्यादा थे। मिल्खा सिंह के संघर्ष को फरहान अख्तर ने सिल्वर स्क्रीन पर जिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के लिए मिल्खा सिंह ने मेकर से मोटी फीस नहीं बल्कि सिर्फ 1 रुपए का नोट बतौर फीस लिया था। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मिल्खा सिंह के जीवन, बचपन से लेकर जवानी तक के उनके संघर्ष, आर्मी मैन से खेल जगत में उनके आने और गोल्ड मेडल विजेता बनने तक की कहानी को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। मिल्खा सिंह ने भी फरहान अख्तर को उनके किरदार में ढलने में काफी मदद की थी। कई स्पेशल टिप्स उन्होंने फरहान को दिए थे। हालांकि जब मेकर्स ने मिल्खा सिंह से उनकी फीस के बारे में बात की तो मिल्खा सिंह ने फीस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन मेकर्स मिल्खा सिंह को इस योगदान के लिए कुछ स्पेशल देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मिल्खा सिंह को यादगार के तौर पर 1 रुपए का नोट भेंट किया था। वैसे इस नोट के पीछे छिपा था एक गहरा राज, क्योंकि 1 रुपए का वो नोट साल 1958 में छपा था। याद दिला दें कि 1958 में ही मिल्खा सिंह ने आजाद भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। यानी 1 रुपए का वो नोट बेहद अनमोल था। मिल्खा सिंह को 1 रुपए का वो स्पेशल नोट गिफ्ट किए जाने पर राकेश ओम प्रकाश मेहरा पिक्चर्स के सीईओ राजीव टंडन ने मीडिया को बताया था कि अपनी जिंदगी की कहानी हमें पर्दे पर उतारने देने के लिए हम मिल्खा सिंह जी को कुछ अमूल्य देना चाहते थे। हमने लंबे समय तक उनके लिए किसी स्पेशल चीज की तलाश की थी, फिर अंत में हमने 1958 में प्रिंट हुआ 1 रुपए का नोट उन्हें भेंट किया। ये खास नोट मिलने पर मिल्खा सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।